I just give you explanation for homework. Homework में what I have provided to you, dear students. The homework is required to be done by you simultaneously. जो recent अभी institute का module है उसका reference मैंने यहाँ पे दे रखा है, study material. स्टडी मटेरियल का मतलब क्या होता है, ICAI का मटेरियल. तो उसमें ये पेज नंबर के ऊपर आपको ये क्वेश्चन करना है, स्टडी मटेरियल उसमें ये पेज नंबर के ऊपर आपको ये क्वेश्चन करना है. देखो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि स्टडी मटेरियल सजेस्टेड एंड RTP तीनों साथ में है. बेसिकली इसका मतलब ये है कि ये जो क्वेश्चन सजेस्टेड और RTP में दे रखे थे ना, वही इंस्टीट्यूट ने अपने मॉड्यूल में दे रखा है. तो ऑफकोर्स हमको तीनों तीन करने का जरूरत नहीं है, हमको सिर्फ स्टडी मटेरियल वाला हम लोग करेंगे तो बाकी दो ऑटोमेटिकली कवर हो जाता है. स्टडी मटेरियल एंड सजेस्टेड यानी कि मई 18 में जो पूछा गया था क्वेश्चन, वही का वही अक्टूबर 2021 के ये पेज नंबर में ये क्वेश्चन में है. सजेस्टेड यानी पास एग्जामिनेशन क्वेश्चन, RTP दैट इज रिविजनरी टेस्ट पेपर. अगेन सोर्स का मतलब आपको ये समझना है कि ये क्वेश्चन मैंने कहाँ से लिया है. स्टडी मटेरियल से यानी कि ये क्वेश्चन जो है स्टडी मटेरियल में भी दे रखा है, सजेस्टेड में भी दे रखा है और न्यू RTP में भी दे रखा है. एंड दिस इज व्हाट्स द होमवर्क क्वेश्चन दैट यू हैव. मैंने आपको होमवर्क में क्या क्या दिया वो मैं आपको समझाता हूँ. होमवर्क में मैंने आपको दिया है रीसेंट ICAI का जो मटेरियल है, यानी कि स्टडी मटेरियल मॉड्यूल का बात कर रहा हूं मैं, उसके सारे क्रॉस रेफरेंसेस दे रखे हैं. दैट इज व्हाट आई हैव प्रोवाइडेड टू यू, दैट इज द फर्स्ट थिंग. तो क्लास वर्क के साथ साथ वो आप कीजिएगा, दैट इज व्हाट से माय सजेशन. अलोंग विद दैट से आई वांट यू टू मेक श्योर दैट से यू पुट अ रिमार्क ओवर हियर दैट से हाउ फार दैट क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट फॉर यू. इज इट लाइक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन तो ए का लोग लिखो, मॉडरेट क्वेश्चन तो बी लिखो, नॉट इम्पॉर्टेंट तो सी लिखो. क्योंकि रिविजन के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग ऐसा समझ सकते हैं दैट से सारे के सारे क्वेश्चन का रिविजन करना ऑफकोर्स बहुत ही डिफिकल्ट है. सो साइमल्टेनियसली आपको लिखते जाना है कि कौन कौन सा क्वेश्चन आपके लिए इम्पॉर्टेंट है. दूसरा मैंने आपको ऐसा दिया है दैट से द सजेस्टेड आंसर दे रखे हैं मैंने आपको फॉर SFM न्यू सिलेबस जो अभी चल रहा है. फिर मैंने आपको रिविजनरी टेस्ट पेपर के रेफरेंसेस दे रखे हैं SFM न्यू अगेन जो अभी चल रहा है. SFM आए उसके पहले जो सिलेबस था उसका नाम भी SFM ही था, तो मैंने SFM ओल्ड करके रेफरेंस दे रखा है. SFM ओल्ड का मतलब क्या कि मई 18 में जो नया सिलेबस है उसके पहले जो सब्जेक्ट था SFM उसके क्रॉस रेफरेंसेस ये रखे. एंड एज यू कैन सी दैट्स आई हैव मेड एन एफर्ट कि डुप्लीकेशन नहीं हो. उसके बाद उससे पहले जो मटेरियल था दैट इज से सब्जेक्ट था दैट इज मैनेजमेंट अकाउंटिंग फाइनेंशियल एनालिसिस वो मैंने दे रखा है. और जब SFM का सिलेबस चल रहा था ना फ्रेंड्स, तभी उन्होंने एक प्रैक्टिस मैनुअल का कॉन्सेप्ट रखा था. प्रैक्टिस मैनुअल इज लाइक जो वी अंडरस्टैंड दैट से इंस्टीट्यूट खुद ऐसा एक बुक बाहर निकालता था जिसमें वो लोग सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस देते थे, तो मैंने वो भी आपको दे रखा है. सो दीज थ्री थिंग्स आर प्रोवाइडेड टू यू इन होमवर्क और सबका क्रॉस रेफरेंसेस मैंने आपको दे रखा है. Of course, all this homework will be is required to be done by you. And इन सब का मैं सिर्फ सॉफ्ट कॉपी शेयर करता हूँ. क्लास वर्क का हार्ड कॉपी मिलता है आप लोगों को, पर ये होमवर्क बुक का मैं आपको हार्ड कॉपी देता नहीं हूँ, उसका सिर्फ सॉफ्ट कॉपी होता है. उसके अलावा ये चैप्टर में नहीं है, पर कुछ दैट इज बाकी सब चैप्टर्स में
मैंने कनेक्टेड होमवर्क क्वेश्चन दे रखे हैं और उसका होमवर्क मटेरियल का शीट अलग से देता हूं मैं. दैट इज अ वे आई प्रोवाइड यू सो द कनेक्टेड होमवर्क क्वेश्चन. उस पर मैंने कुछ क्वेश्चन रखे हुए हैं सो उसका भी रेफरेंसेस आपको मिलेगा. ये चैप्टर में नहीं है क्योंकि ये चैप्टर बहुत छोटा है, पर आपको नेक्स्ट से मिलेगा. वॉट वन थिंग दैट्स आई वॉन्ट टू टेल ऑल ऑफ यू डियर स्टूडेंट्स इज दैट कंसिडरिंग द टाइम अवेलेबिलिटी दैट यू हैव, प्रिफरेबली क्या करना चाहिए, प्रिफरेबली आपको ये पूरा होमवर्क करना चाहिए. दैट इज व्हाट्स द बेस्ट थिंग दैट यू कैन डू. सपोज यू हैव अ स्केयरसिटी ऑफ द टाइम बिकॉज ऑफ अ फ्यू थिंग्स, देन इन दैट केस मेरा सजेशन ऐसा है कि आप ऐसा हो तो मोस्ट इंपॉर्टेंट टू लीस्ट इंपॉर्टेंट होमवर्क करो. जैसे कि यू मे गिव द फर्स्ट प्रायोरिटी टू द मॉड्यूल, मॉड्यूल का एक भी क्वेश्चन रह नहीं जाए, क्योंकि पूरा का पूरा मॉड्यूल जो है, पूरा का पूरा मॉड्यूल वो मैंने क्लासवर्क के साथ क्वेश्चंस क्लास में रखे हुए हैं या तो उसको होमवर्क में रखे उसको कनेक्ट किया है. पूरा मॉड्यूल एक भी क्वेश्चन रह नहीं जाएगा, तो मॉड्यूल करो. दूसरा, जो अभी का सिलेबस चल रहा है ना उसके सजेस्टेड्स और आरडीपी करो. देन यू कैन गिव प्रेफरेंस टू द नेक्स्ट. उसके बाद ये वाला प्रैक्टिस मैन्यूअल इज ऑल्सो समथिंग टू विच यू कैन गिव द प्रेफरेंस एंड दीज आर द कनेक्टेड होमवर्क क्वेश्चंस. तो आप ऐसा कुछ कर सकते हो कि सबसे पहले मॉड्यूल, फिर सजेस्टेड है, देन देयर इज सजेस्टेड है, आरटीपी है नए सिलेबस का, उसके बाद प्रैक्टिस मैन्यूअल का क्वेश्चन है, फिर एसएफएम, फिर माफा, एंड दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट इन माई ओपिनियन. तो ऐसा करके आप लोग होमवर्क कीजिएगा, होमवर्क बुक अलग से मेंटेन कीजिएगा. दैट इज व्हाट आई सजेस्ट ऑल ऑफ यू. इन सब का सॉफ्ट कॉपी मैं शेयर कर दूंगा आप लोगों से. ये जो सारा का सारा होमवर्क है ना, वो मैं क्या करूंगा कि जो ऐप है उसमें मैं स्टडी मटेरियल में ये सारा का सारा मटेरियल अपलोड कर दूंगा. सो यू कैन हैव एक्सेस टू ऑल ऑफ देम. उसको आप डाउनलोड भी कर सकते हो. दैट इज व्हाट आई एम गोइंग टू डू. तो ऐप में ये सारा का सारा अपलोड मैं कर दूंगा. उसके अलावा ऐप में है ना, मैं दो टाइप के लेक्चर्स डालता हूँ. ऐप में मैंने क्या डाला है, एक मैंने लाइव लेक्चर ऐसा एक फोल्डर रखा हुआ है और दूसरा क्वेश्चन वाइज ऐसा फोल्डर रखा हुआ है. लाइव लेक्चर में क्या होता है, पूरा लेक्चर आ जाता है, नो एडिटिंग. क्वेश्चन वाइज में क्या होता है, क्वेश्चन नंबर 1A, क्वेश्चन नंबर 1B, क्वेश्चन नंबर 1C. तो बेसिकली मैंने उसमें क्वेश्चन वाइज ही रखा हुआ है. मोस्टली आई डोंट थिंक कोई भी स्टूडेंट नहीं है इंटर में मेरे से पढ़ा हुआ, ऑलमोस्ट सारे स्टूडेंट से पढ़ा हुआ है. तो उसमें आप लोगों ने जैसा देखा था कि मैंने क्वेश्चन वाइज सारा का सारा दैट इज वहाँ पे दे रखा है. तो रिविजन में आपको कहीं भी कोई एक क्वेश्चन का भी डिफिकल्टी है तो डायरेक्टली वो आप क्वेश्चन ओपन करके सो उसका आप रिविजन कर सकते हो. लाइव लेक्चर के फोल्डर में क्या होगा, उसमें बेसिकली ऐसा होगा कि पूरा लेक्चर साथ में होगा. और कई बार क्या होता है कि मेरा सीक्वेंसिंग मैं जंबल करता हूँ कंसिडरिंग द टाइम दैट से वी हैव, यानी कि 15 मिनट बाकी है और जो नेक्स्ट क्वेश्चन सीक्वेंस में आ रहा है वो लंबा है, तो मैं उसको जंबल करता हूँ. एंड या तो फिर क्या करता हूँ, मैं इनिशियली जब लेक्चर शुरुआत करता हूँ तभी आई मे डू अ क्वेश्चन हैविंग 5-10 मिनट्स और 15 मिनट्स का वर्किंग. शुरुआती क्वेश्चन से ऐसा किया कि जिसमें 1 घंटा चला जाएगा, देन इन दैट केस समबडी हु इज कमिंग लेट तो उसको प्रॉब्लम होगा. दैट इज द रीजन मैं इनिशियली क्या होता है उसमें थोड़ा जंबलिंग रहता है. सो दिस क्वेश्चन वाइज वीडियोज आर ऑल्सो देयर. दैट इज व्हाट वी हैव. जो भी हमारा शेड्यूल है उस हिसाब से हम लोग जाएंगे आगे. जैसे कि अभी हमारा वेडनेसडे एंड फ्राइडे है, तो मेरा सजेशन सबको ऐसा है कि वेडनेसडे का लेक्चर अगर आपका मिस होता है देन बिफोर फ्राइडे उसको अच्छी तरह से कवर करके फ्राइडे के लेक्चर में बैठिए. और फ्राइडे का लेक्चर अगर आपका मिस होता है तो कुछ भी कवर दैट इज करके वेडनेसडे तक कवर करके उसमें बैठिए. जो भी शेड्यूल है उस हिसाब से, व्हेनेवर यू मिस अ लेक्चर उसको बहुत क्यूमुलेटिव मत होने दीजिए.
एंड ऑफ कोर्स आपका होमवर्क भी क्यूमुलेटिव आपको रखना नहीं है। होमवर्क का जो भी क्वेरीज है उसके लिए यू कैन सेंड अ व्हाट्सएप टू मी और उसका मैं विद इन 2 or 3 days रिप्लाई दूंगा। इमीडिएटली आई मे नॉट बी एबल टू रिप्लाई यू एंड फेयरली अगर 2-3 दिन में रिप्लाई नहीं करूँ तो वापस आप मेरे को मैसेज कर सकते हो कि सर आपने रिप्लाई नहीं दिया। कई बार माई शेड्यूल इज सच दैट्स आई मे नॉट बी एबल टू रिप्लाई एंड टू सम एक्सटेंट दैट्स ए वो आई थोड़ा आलस भी है मेरा इसकी वजह से तो बट आई ट्राई टू मेक श्योर दैट्स आई डू इट एज सून एज पॉसिबल। ठीक है ना। One important thing is that say as we have understood that say there are these many chapters, उसमें से कोई भी chapter का अगर आपको video lectures देखना है जैसे कि I just share with all of you friends कि मैं ऐसा करता हूँ कि chapter number 3 and 4 साथ में करवाता हूँ, chapter number 8 and 11 साथ में करवाता हूँ, 9 and 10 साथ में करवाता हूँ, 12 and 13 साथ में करवाता हूँ। तो बेसिकली क्या होता है कि स्टूडेंट्स ऐसा सोचता है कि लास्ट का उनको एक साल या फॉर एग्जांपल 6 महीना जैसा उनको आईडीटी के लिए रखना है, डीटी के लिए रखना है, सो दे वांट टू कंप्लीट द सिलेबस एज सून एज पॉसिबल फॉर द प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स। तो अगर आपको किसी का मटेरियल चाहिए देन यू कैन मटेरियल और उसके वीडियोस तो मुझे बताइएगा, मैं उसका ऐप का एक्सेस आपको दे दूंगा। एक साथ मैं बहुत सारे चैप्टर्स का एक्सेस नहीं दूंगा, मैं एक एक चैप्टर का ही दूंगा। सो वंस यू कंप्लीट इट यू आस्क मी फॉर द नेक्स्ट वन। तो मुझे भी थोड़ा सा ट्रैक रहेगा कि आपका कितना पढ़ाई हुआ है। वन थिंग दैट्स आई वांट टू टेल यू ऑल ऑफ यू मोर कि मैं अभी से मटेरियल ऐसे बनाऊंगा कि नवंबर 22 का एग्जामिनेशन हो जाएगा ना, उसके बाद मेरा पूरा का पूरा मटेरियल मैं रिवैम्प करूंगा। उसके बाद मई 23 का एग्जामिनेशन जब होगा ना, उसके बाद मैं मटेरियल चेंज करूंगा। नवंबर 23 उसके बाद मैं चेंज करूंगा, हर 6 महीने में मैं मटेरियल चेंज करूंगा। आपका जो अटेम्प्ट है फॉर एग्जांपल नवंबर 24 है या आपका अटेम्प्ट सपोज कि मई 25 है, आपने अभी यहाँ पे अटेंड किया तो बिफोर योर अटेम्प्ट या कभी भी बीच में आप ये देख सकते हो कि सर ने यहाँ पे मैंने किया था, यहाँ से लेके सर ने क्या क्या चेंजेस किए हैं। मैं वो चेंजेस का भी एक शीट बना दूंगा कि जिसकी वजह से आपको पता चले दैट से व्हाट इज द काइंड ऑफ लाइक द चेंज दैट आई हैव इनकॉर्पोरेटेड इन द मटेरियल, और उसके आपको वीडियोस भी उसका भी एक्सेस में दे दूंगा। तो फिजिकल कॉपी आपको मैं सिर्फ एक ही बार दूंगा, दैट इज एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। फिजिकल कॉपी बार बार देना मुश्किल होगा, ऑफकोर्स सॉफ्ट कॉपी तो मैं देता ही रहूंगा बट फिजिकल कॉपी विल बी प्रोवाइडेड फॉर वंस। दूसरा कि नया सिलेबस आएगा तो नया सिलेबस क्या है वो तो ऑफकोर्स हमको पता नहीं है, पर नवा जो नया सिलेबस होगा उसका 100% कवरेज आपका हो जाएगा बिफोर योर एग्जामिनेशन। जिस हिसाब से अभी सिचुएशन है मई 24 में नया सिलेबस आएगा, जिस हिसाब से अभी तो मई 24 के सिलेबस का जैसे ही अनाउंसमेंट आता है आई गिव एन अश्योरेंस टू यू दैट से यू विल बी प्रोवाइडेड विद द अपडेटेड वीडियो लेक्चर्स फॉर ऑल द टॉपिक्स। एक भी टॉपिक ऐसा नहीं होगा कि जिसमें अपडेटेड नहीं होगा। डेफिनेटली आई कैनॉट गिव यू एन अश्योरेंस ऑफ ऑल द 1-to-1 जूम लेक्चर्स, पर ऑफकोर्स 100% आपको पूरा का पूरा अपडेटेड वीडियोज मिल जाएगा, उसके लिए मैं आपको 100% अश्योरेंस देता हूँ।